The battle for Gujarat gets murkier and the campaign gets dirtier. After Hardik's premonition, a video went viral on social media in which a Hardik look-alike can be seen with an unidentified woman in a hotel. While Hardik has dismissed all charges against himself, hitting out at BJP, citing an attempt at defamation, the man who released the video said that Hardik's character was under question and the onus was on him to explain. मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये अगस्त का वीडियो था 2017 का उसमें मैंने हार्दिक के कैरेक्टर को लेकर जो बात कही थी जिसके लिए समाज के बीच से मुझे लोगों ने बुलाया कि आप यहाँ गुजरात आके सबके सामने प्रूफ है तो रखिए मैं वो प्रूफ देने के लिए आया था लेकिन आज जब ये मैं यहाँ आया तो संयोग ऐसे बने कि उसी टाइम हार्दिक की ये सेक्स सीडी बाहर आई अब ये सेक्स सीडी सही है या नहीं गलत है या सही वो हार्दिक को प्रूफ करना पड़ेगा और फॉरेंसिक उसकी जाँच होनी चाहिए अगर ये दोषी पाया जाता है तो समाज उसको जवाब देगा और नहीं है तो जो ये वायरल करने वाला जो भी है उसको सजा होनी चाहिए लेकिन हमारी मूवमेंट है वो समाज के लिए थी है और रहेगी कि इन लोगों का प्योरली मास्टर प्लान अब गंदी राजनीति बेड राजनीति की ओर चलता जा रहा है जिस तरह से संजय जोशी की सेक्स सिटी बनाना और आप भी समझ सकते हैं जिस टाइम संजय जोशी एक बड़े कदावर नेता बन रहे थे तभी उनकी ये सीडी बनाने का प्रयास इन लोगों ने किया था तो 2017 में भी कुछ अच्छा माहौल हो रहा है तो इन लोगों ने ये सीडी बनाने का प्रयास किया है और बहुत सारी सीडियाँ वगैरह ये तो भेजेंगे लोगों में ले जाएंगे और मैंने कल भी कहा था एक मैसेज भी घूम रहा था कि कमलम में से आदेश मिला है कि दोपहर 3 बजे के बाद हार्दिक के पूरे राज्य के अंदर पुतले जलाए जाएंगे तो ये पूरा प्री प्लानिंग चल रहा है कि अभी ये किया पुतले जलेंगे तो कोई दिक्कत वाला मामला नहीं ऐसा चलता रहेगा लड़ाई जारी रहेगी मजबूती से जारी रहेगी।